અને હવે નજર કરીએ અમદાવાદ રાજકારણના ટોપ 9 ન્યૂઝ પર। અમદાવાદ શહેર જિલ્લાની 19 બેઠકો પર ભાજપના તમામ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરાયા। શહેરની 14 અને જિલ્લાની 5 બેઠક માટેના ઉમેદવાર જાહેર કરાયા। જાહેર થયેલી 14 શહેરી બેઠકોમાંથી એક જ ઉમેદવાર રિપીટ કરાયા, તો 3 બેઠકો પર ભાજપે મહિલા ઉમેદવારોની તક આપી। अमदावाद गाटलोडिया बैठक पर मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेल टिकट आप जाहरात थता ज गाटलोडिया स्थित भूपेन्द्र पटेल कार्यालय खाते मोटी संख्या में समर्थकों कार्यक्रमों उमटी भव्य उजवणी करी। सीएम भूपेन्द्र पटेले कहूं कि आ विकासी राजनीति है, पार्टीए जो विश्वास मुक्यो गुजरात विकासरथ ने आग लई जाइश। 15 वर्ष थी कांग्रेस उघट रहे विरमगाम बैठक पर भाजपे युवा नेता हार्दिक पटेले टिकट आपी। टिकट मरता हार्दिक पटेले कहूं कि विरमगाम ना लोगों ने साथे राखी ने लोगों नो विश्वास जीतवानो छे। महत्वनु छे कि विरमगाम बैठक पर ठाकुर पटेल मतदारों नो प्रभुत्व छे अने पाटीदार वोट बैंक पर वोट बैंक मेळवा भाजपे आ दाव खेल्यो छे। अमदावाद एलिस ब्रिज सीट उम्मीदवार पूर्व मेयर अमित शाह घरे उजवणी नो माहौल जोवा मळ्यो। अमित शाहे कह्युं कि रेकॉर्ड ब्रेक मत थी जीत मेळवीशुं। हूँ 5 वर्ष थी कॉर्पोरेटर तरीके रह्यो छूं, तमाम नागरिकों मदद रूप थया छे। कोरोना काळ थी लई तमाम मुश्किली बाद लोको जोड़े उभो रह्यो छूं। अमदावाद में वेजलपुर विधानसभा बैठक पर भाजपमांथी अमित ठाकर नुं नाम जाहिर थयुं। वेजलपुर में किशोर चौहान नुं नाम कापी अमित ठाकर ने टिकट आपवामां आवी। कार्यकरोए फटाकड़ा फोड़ी तेमज ढोल नगाराना नाद साथे अमित ठाकर नुं स्वागत करी शुभकामना पाठवी। कमरेवाड़ी विधानसभा बैठक पर भाजपे हसमुख पटेले मैदान में उतारिया छे। टिकट मरता हसमुख पटेले पार्टी नो आभार मान्यो। अमदावाद दरियापुर विधानसभा सीट ना उम्मीदवार कौशिक जैन ना कार्यालय पर उजवणी नो माहौल जोवा मळ्यो। विस्तार की महिलाओं कौशिक जैन ने चांदलो और फूलहार करी आशीर्वाद आप्या। कौशिक जैन ने जीत नो विश्वास व्यक्त कर्यो। छेल्ला 3 टर्म थी दरियापुर पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय थाय छे, पण आ वखते दरियापुर में भाजप की सीट आवशे। 20,000 मत थी लीड मेळवी जीत मळशे तेवी आशा व्यक्त करी। भाजपे 2022 विधानसभा की चूंटणी में युवा डॉक्टर चेहरा ने चूंटणी मैदान में उतारिया छे। अमदावाद नरोड़ा बैठक पर भाजपे पायल कुकराणी ने टिकट आपी छे। 29 वर्षना पायल कुकराणी व्यवसाय डॉक्टर छे। अमदावाद अमरेवाड़ी कांग्रेस उम्मीदवार धर्मेन्द्र पटेले प्रचार शुरू कर्यो। डोर टू डोर प्रचार करीने मतदाताओं सुधी पहुंचा कांग्रेस उम्मीदवार। पगपाळा करीने मतदाताओं सुधी पहुंचवानो प्रयास शुरू कर्यो।